आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली से दुखी होकर आज गांव बसलुआ बालमा के लोगों ने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। हल्का भुआ के पूर्व विधायक जोगिंदर पाल की मौजूदगी में इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में अपना भरोसा जताया। लोगों ने बताया कि उन्होंने चुनावों के समय पूरी जोर आजमाइश के साथ आम आदमी पार्टी के हक में वोट दिए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि झाड़ू पार्टी के लोग उल्टा उन्हें और उनके परिजनों को तंग परेशान करेंगे और झूठे मामलों में फंसाएंगे। इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन पकड़ने में ही समझदारी दिखाई। मेरा नाम दिलावर चंद है जी, पिंड बसोह बाड़वा जी। मैं कांग्रेस का बंदा सीगा, लेकिन मैं किसी वजह ना जाने की आम दे विच जाने की झोला फड़िया आम दा झोला फड़िया। आम वास्ते 2 साल रात दिन मेहनत की जनाब, मेहनत बड़ी रज के की, यानी हूं तक मेरे इतों तक मुद्दा है भी मैं आम का सरपंच भी पिंड का बनावा, लेकिन मेरे नाल यानी कि कोई पिंड अपने घर लड़िया झगड़िया कुटिया परचे मेरे ते करा दे, मेरे बच्चे नूं फसा दिता जनाब, फसा के मैनू मारिया। थानेदार ने भी यानी कि साड़ी नहीं सुनी, साड़ी कोई वर्कर ने भी नहीं सुनी, कोई प्रधान ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं अज तक मेरी सुनी। जे हूं आ गए जनाब जी, आए जोगिंदर पाल नू फोन किया, पिंड छड़िया, उन्होंने मेरी सुनी। और रविंदर डॉक्टर है, वह कहता मैं तेरी दुकान से चिट्टा दिखा गया और उन्होंने कह के चुका के तेरे बच्चे अंदर कराना, जमानत नहीं होने देनी। जनाब जी मैं कितने जावा, मेरिया हफ्ता या दुकाना बंद, मैं परेशान हो गया, रोटी नहीं खाने मिल रही, मैं कितने जावा, मैं किन्नू रोवा, मैं गरीब आदमी हाँ। लाल चंद ने भी रल के यानी कि प्रधान ने सारे रल के मेरे नाल धोखा किया, मेरी पिंड में इंक्वायरी करो, मेरे फलोर में इंक्वायरी करो, मैं किन्ना गंदा बंदा, किन्ना चंगा बंदा, किन्ने मेरे बच्चे मारे ना, किन्ने चंगे ना, किन्ने इंक्वायरी करो। जे कैप्सूल अरविंदर डॉक्टर सरेआम कैप्सूल भेज रहा, वह होलसेल के बीच भेज रहा, पिंड में इंक्वायरी की जाए, लागे सागे ने पिंड के बच्चे ही बर्बाद करते, दुखी हो गया। सच्चा आदमी है, कोई नहीं सुनी मेरी। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, 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 अनुचक मुर्दाबाद, अनुचक मुर्दाबाद, अनुचक मुर्दाबाद, अनुचक मुर्दाबाद, अनुचक मुर्दाबाद। जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप सारे जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा लाभ फ्री करेगा। धन्यवाद।